हेलो फ्रेंड्स, सो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप अपना कैसे अपना वीडियो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे एडिट कर सकते हैं और यहां से डायरेक्टली आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। जी हां, आज आप ये सीखने वाले हैं कि आप कैसे अपना वीडियो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से अपने फ़ोन पे एडिट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करिए। ये पूरा वीडियो हिंदी में होगा, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए और पूरी तरीके से सीखिए कि कैसे आप अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको इसके लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, जो कि आपके स्क्रीन पर होगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अपने सर्च में बस इन शॉर्ट टाइप करना है और आपको डायरेक्टली आपको स्क्रीन आपके मोबाइल एक ऐप खुल जाएगा, एक ऐप ओपन हो जाएगा जो कि है ये वाला ऐप जो कि हमने पहले से डाउनलोड कर लिया है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये छोटा सा ऐप है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इसे इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन मिल जाएगी इस ऐप में, जो कि ये इसकी होम स्क्रीन है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, वीडियो, फोटो, कोलार्ज। तो आप वीडियो पर क्लिक करिए और आपकी जो भी आपकी वीडियो होगी आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस वीडियो को डायरेक्टली अपने गैलरी में से लेंगे। जैसे कि आपने देखा ये गैलरी है, यहाँ पे हमारी वीडियोज़ है। तो हम इस वीडियो को, ये हमारी वीडियो, हम इसे क्लिक करेंगे और इसे शेयर के बटन पे जाके इसे डायरेक्टली इनशॉट ऐप में शेयर कर देंगे। तो ये वीडियो डायरेक्टली इनशॉट वीडियो एडिटर ऐप में ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो ओपन हो गई है। ये रहा वीडियो, तो ये वीडियो कुल 3 मिनट की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे आपको यहाँ पे टिक करना है। तो ये ओपन हो गई आपके वीडियो। ये रहे आपके सारे टूल्स, यहाँ पे नीचे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे, जो भी ऑप्शन है। आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन कैसी चाहिए, आप बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे स्टिकर्स भी मिलेंगे आपको, और आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड है आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो पहले तो आप वीडियो को ट्रिम कर लेंगे। जैसे कि आपको अगर वीडियो आपको छोटी करनी है आपकी, जैसे कि हम आप वीडियो को थोड़ा छोटा कर देंगे। ओके, तो ये हमने वीडियो अभी छोटी कर दी, इतना हम ट्रिम कर देंगे इतना पार्ट। तो आप देख सकते हो वीडियो अब छोटी हो गई है। अब वीडियो टोटल 1 मिनट 54 सेकेंड्स की हो गई है। और जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हो, आप बैकग्राउंड को अपना ब्लर भी कर सकते हो इस तरह, जितना आपको बैकग्राउंड चाहिए, आपको कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, अगर आपको बैकग्राउंड उतना चाहिए। जैसे कि अगर हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप फुल स्क्रीन कर सकते हो ओरिजिनल जो है। अगर आप फुल स्क्रीन करोगे, फुल स्क्रीन कर सकते हो, फिट कर सकते हो, ऐसे आप टॉप पे कर सकते हो, बॉटम पे कर सकते हो। हम इसे ओरिजिनल ही रखेंगे और इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली बैकग्राउंड को आप ब्लैक कलर करिए, रेड कलर करिए, जो कलर चाहिए आप वो कर सकते हो। हम इसे सिंपली ब्लैक कलर रख देंगे और ओके कर दीजिए। इसके बाद हम वीडियो में टेक्स्ट डाल देंगे, जैसे कि टेक्स्ट डालेंगे बाइकर अमन, और ये टेक्स्ट रेड कलर कर दिया हमने। यहाँ पे आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि आपको ये भी मिल जाएगा। हम इसका ये फॉन्ट रख देंगे और हम इसे उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे। आपको जितना उसका साइज चाहिए आप बड़ा कर सकते हो, इस तरह यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, आपको कितने वीडियो तक चाहिए आपको फॉन्ट, जितना आप चाहिए उतना आप ट्रिम कर सकते हो और उतना रख सकते हो। जैसे कि मुझे पूरे वीडियो में ये टेक्स्ट आना चाहिए, तो मैंने इसे पूरे वीडियो तक स्ट्रेच कर दिया और इसे ओके कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपने ये देख लिया। इसके बाद हम स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम ये टेक्स्ट को यहाँ पे रख देंगे। ओके, यहाँ पे आपको और बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, आपको जो इमेज चाहिए आप वो यहाँ पे ले सकते हो। ये सारे आपको व्हाट्सएप के स्माइलीज यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसे टिक कर दीजिए और ये वैसे ही जैसा आपको ने टेक्स्ट में किया था। ये स्माइली भी मुझे पूरे वीडियो में चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे पूरा स्ट्रेच कर दिया। जैसे आप देख सकते हो आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हो, इसे मैंने पूरे वीडियो में रखना है इसलिए मैंने पूरा स्ट्रेच करके ओके कर दिया। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट और स्टिकर की बात, आपने ट्रिम देख लिया। अब इसमें आप अपना म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो, आपको जो म्यूज़िक चाहिए। यहाँ पर आपको
इनके म्यूज़िक मिल जाएंगे जो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब में वीडियो डालने वाले हैं तो आप ध्यान दीजिए कि आपका कोई म्यूज़िक पे कॉपीराइट ना आ जाए, तो वो म्यूज़िक आप ध्यान से डालिए। आप अपने गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हो माय म्यूज़िक करके, लेकिन ये सारे म्यूज़िक टी सीरीज़ और सॉन्ग्स के, तो इस पर कॉपीराइट आ सकता है, तो इसलिए हम ये यूज़ नहीं करेंगे। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सॉन्ग्स बैकग्राउंड में चल ही रहा है, तो ये म्यूज़िक ही चलता रहेगा। आप जैसा आप चाहिए आप वैसा म्यूज़िक ले सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में कोई नो कॉपीराइट सॉन्ग है तो आप उसे सेलेक्ट करके बैकग्राउंड रख सकते हैं। इसके बाद आप सेव कर दीजिए। आप वीडियो को रोटेट कर सकते हो जैसा आपका वीडियो चाहिए, आपको 90 डिग्री चाहिए जैसा चाहिए, उसे लेफ्ट राइट फ्लिप भी कर सकते हो। और आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो आपका वीडियो किस तरह दिखेगा। देखिए हमने टेक्स्ट और स्माइली पूरे वीडियो में रखा है लास्ट तक, तो ये पूरे स्माइली ऐसे दिखेगा पूरे वीडियो में। तो बहुत ही आसान है, आपने देख लिया किस तरह एडिट हो सकता है। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बाइकर अमन के नीचे आप इन शॉट का लोगो आ रहा है, तो आप इस लोगो को भी निकाल सकते हो। किस तरह, आपको जस्ट वो क्रॉस पे कट करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो रिमूव परमानेंटली और फ्री रिमूव, तो हम फ्री रिमूव ही ऑब्वियसली करेंगे। उसके बाद आपको ये कुछ देर के लिए ऐड चलता रहेगा, आपको ये एडवर्टाइज देखते रहना है, कुछ नहीं करना है। बस जैसे ये ख़त्म होगा तो आपको डायरेक्टली इसे कैंसिल करके निकाल देना, जिससे वो लोगो फ्रीली निकल जाए। अगर आप वो लोगो रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके व्यूअर्स को समझ जाएगा आपने वीडियो कहाँ से एडिट किया है, तो इससे अच्छा आप लोगो निकाल दीजिए, वो अच्छी बात होगी। जैसे कि आपने देखा वीडियो ख़त्म हो गया है, अब ये यहाँ पे क्रॉस साइन आ गया, डायरेक्टली आप वीडियो कैंसिल कर सकते हैं ये एडवर्टाइज को। और आप देख सकते हैं अभी इस तरह लोगो निकल गया है, अब आपके वीडियो में कोई भी लोगो नहीं दिखेगा आपको। और अगर हम चलिए तो हम इसे इस तरह इस वीडियो को ब्लर रख देंगे अब। तो जैसे आपने देखा बहुत ही आसान था, आप अपने मोबाइल पे जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको अपनी वो यूट्यूब पे अपलोड करनी है और आप एडिट कर नहीं सकते, तो आप अपने मोबाइल पे डायरेक्टली वीडियो एडिट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आपने देख लिया सारे ऑप्शंस आपको नीचे मिल जाएंगे। इसी तरह आपको वीडियो एडिट करनी है, आपको जो टेक्स्ट देना है जहाँ पे देना है वहाँ पे दे सकते हो टेक्स्ट, यहाँ पे और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो आप। हेलो गाइस, इसका हम फॉन्ट बदल देंगे। जैसे कि अगर मुझे ये टेक्स्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए देना है, इस तरह मैं इस वीडियो में ये कर दूंगा, थोड़ी देर के लिए आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह आपके टेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा और इस तरह आपका वीडियो दिखने लगेगा। ये शुरू से प्ले करते हैं। हेलो गाइस, तो इस तरह ये टेक्स्ट रहेगा इस वीडियो में, जैसे कि आप देख रहे हो। कुछ ज़्यादा लंबा टेक्स्ट हो गया, छोड़ देंगे। ओके, तो इस तरह ये टेक्स्ट आप वीडियो में डाल सकते हो इस तरह। अगर आपको और वीडियो इसमें अटैच करनी है, और वीडियो है अगर आपके और क्लिप है, तो आप इसे वहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी और वीडियो। तो ये था, आपने देख लिया इस तरह आप एडिट कर सकते हो। इसके बाद आपको सेव करनी है वीडियो, और यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल जाएगी 720 या 640, तो आप 720 पे क्लिक, जिससे आपका वीडियो यूट्यूब पे बहुत ही क्वालिटी में दिखेगा। इसके बाद वीडियो इनिशियलाइज़ होगी, जिसे कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, आप इनिशियलाइज़ होने दीजिए इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा
योर वीडियो इज़ कन्वर्टिंग इज डन, तो आप जाके सबका वीडियो कन्वर्ट हो गया होगा उस पर क्लिक करके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप गैलरी में सेव कर सकते हो वीडियो को, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हो, मैसेंजर पे, यूट्यूब पे डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, किसी को ईमेल कर सकते हो वीडियो, और ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो। तो हम इस वीडियो को अभी के लिए गैलरी में सेव कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो गैलरी में सेव हो गया। चलिए देख लेते हैं वीडियो गैलरी में जाके। आपको यहाँ पे आपका वीडियो मिल जाएगा गैलरी में। तो ये रहा आपका वीडियो जो एडिट किया था, काफ़ी अच्छी तरह वीडियो एडिट हो गया है। तो बस यही था इस वीडियो में, देख लिया आपने कितना आसान है इस वीडियो को मोबाइल में एडिट करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को नीचे कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी और वीडियोस बनाता हूँ। और ये आपको कहिए कमेंट में बताइए मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जो यूट्यूब पर नए हैं, जिन्हें वीडियो एडिट करना नहीं आता, उन्हें भी पता चले कि वीडियो एडिट करना कितना आसान है, और वो आप अपने मोबाइल पर एडिट कर सकते हैं। मोबाइल पे एडिट करने का फ़ायदा, अगर आप कर रहे हो तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन से एडिट करके वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।